कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है, जैसे हम सॉलिड फ्रिक्शन में डिस्कस करते थे, म्यू म्यू ज़्यादा, रफनेस ज़्यादा, फ्रिक्शन ज़्यादा, ऐसी किसी 10 किस्म के लिक्विड हैं, कोई ज़्यादा थिक है, कोई पतला है, कोई और पतला, कोई और पतला, हम ईटा से डिफाइन करते हैं। ईटा को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर किसी, और ये एक नंबर है, किसी ये कॉन्स्टेंट है, तो अगर किसी भी लिक्विड का ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई है तो वो विस्कस लिक्विड है शहद की तरह, और अगर लो है तो पानी की तरह पतला लिक्विड है जो नॉन विस्कस लिक्विड है। ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी हर लिक्विड का डिफरेंट है। जितना हाई कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, फ्रिक्शनल फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा डेवलप होंगी और उसमें वो विस्कस लिक्विड कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब वो कहता है जी एक काम करते हैं, न्यूटन ने कहा था एक काम करते हैं, दो लेयर्स ले लो लिक्विड की, कोई भी, इमेजिन करो एन नंबर ऑफ लेयर्स है, कोई भी दो लेयर्स ले लो, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से, दो इमीडिएट लेयर्स लेनी है आपने, ऊपर की लेयर नीचे की लेयर से हल्की सी तेज मूव करनी चाहिए, तभी तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो मान लेते हैं फिक्स सरफेस से इसकी हाइट एक्स डिस्टेंस पे आपने लेयर ली, इसका एरिया आपने ए लिया, और इसके ऊपर आपने एक और लेयर ली जिसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर दो, वी की जगह वी प्लस डी वी, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स इज डी एक्स। ठीक है, इसमें लग रहा है स्पेस, गलत बना है डायग्राम, चिपके हुए हैं ये, समझाने के लिए अलग अलग बना रखा है, वैसे चिपकी हुई है लेयर्स, तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स बोल सकते हैं, विस्कस ड्रैग बोल सकते हैं, लिक्विड की फ्रिक्शन बोल सकते हैं, जो मर्जी नाम बोलते हैं, विस्कोसिटी नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही विस्कोसिटी है, ना, विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, कि फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एफ ही है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, न्यूटन ने कहा कि ये जो फोर्स है ना फ्रिक्शन की, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ लेयर, जितना बड़ा एरिया होगा लेयर का फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। बड़ा एरिया लेयर का तो फोर्स ज़्यादा, छोटा एरिया तो फोर्स कम। और दूसरा ये डिपेंडेंट है डी वी बाई डी एक्स पे, डी वी बाई डी एक्स का मतलब दो लेयर्स में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है डी वी, और दो लेयर में डिस्टेंस का फर्क कितना है डी एक्स, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब डी वी बाय डी एक्स, अगर हम इन्हें कंबाइन कर लें तो एफ इज एरिया डी वी बाय डी एक्स। यहाँ पर एक चीज रहेगी, टाइप ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड की अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, उसके लिए कॉन्स्टेंट लगेगा ईटा, ईटा को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग है तो साइन क्या लगता है, माइनस। फॉर्मूला बुकलेट में पहला फॉर्मूला नोट कर लें, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लिक्विड इज माइनस ऑफ ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, और ईटा के यूनिट्स भी नोट कर लें। वैसे ईटा के जो यूनिट्स हैं वो ऐसे भी निकल सकते हैं, ईटा एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, तो फोर्स न्यूटन में है, डी एक्स मीटर में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, डी वी मीटर पर सेकेंड है, बहुत बड़े यूनिट्स आएंगे। इसकी जगह वो कहता है काम करते हैं, सी जी एस यूनिट ईटा के पॉइस हैं, और एस आई यूनिट डेका पॉइस हैं, और एक डेका पॉइस 10 पॉइस के इक्वल है, ये फॉर्मूला नोट कर लें। ठीक है, तो ये टर्म आ गई, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है तो देखो, इसमें मेटल प्लेट जिसका एरिया गिवन है, तो एरिया की वैल्यू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर है। तो कहाँ पर है, एक ऑयल है यहाँ पे ना, एक ऑयल पड़ा हुआ है, ये ऑयल की लेयर है,
और मेटल की प्लेट इसके ऊपर है, ये प्लेट है, तो प्लेट है और ऑयल है, ठीक है यहाँ तक, ऑयल और प्लेट बना दिया मैंने यहाँ पे। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो थिकनेस है ऑयल की वो पता है कितनी है, थिकनेस है 1 mm, तो dx की वैल्यू है 1 × 10⁻³ मीटर। तो ये ऑयल है और ऑयल की थिकनेस आपको उसने दे दी, ये ऑयल की थिकनेस है, ये ऑयल ही ऑयल है, देखो ये शक्ल भी ऑयल जैसी कर रहा हूँ मैं, ऑयल है ठीक है, ऊपर प्लेट है ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट है वो कह रहा है कि इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है SI में, न्यूटन मीटर्स का सब SI है, 1.55 है, फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूँ इस प्लेट को मैं मूव करवाऊँ तो मैं कितनी फोर्स लगाऊँ ताकि ये प्लेट मूव करे विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं चाहता हूँ ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करे, ठीक है, आप बस मुझे ये बताओ प्लेट की स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑयल की स्पीड क्या है नीचे, ऑयल कहाँ चल रहा है, जीरो जीरो, ऑयल तो जीरो पे ही है, प्लेट को मूव करवाना है तो ऑयल जो है, जैसे ये ले लो, चलो प्लेट का लोअर हिस्सा ले लो, प्लेट का लोअर हिस्सा 2 मीटर पर सेकेंड है, पूरी की पूरी प्लेट ही 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर है, अच्छा सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ओके 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है पूरी प्लेट, ये ऑयल है, ऑयल की यहां पे स्पीड क्या है जीरो, ऊपर की ऑयल की सबसे ऊपर की जो लेयर है वो तो 2 के साथ मूव करेगी क्योंकि प्लेट 2 के साथ मूव कर रही है, फिर नीचे स्पीड कम 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 होते 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 क्या हो जाएगी जीरो। तो इसमें dx गिवन है, इन दोनों में dv क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस जीरो। तो ऑयल का ऊपर ऑयल के नीचे की सरफेस लेंगे, लोअर मोस्ट सरफेस पे वेलोसिटी जीरो है और टॉप मोस्ट प्लेट की वजह से क्या हो जाएगी 2। यहां तक अब जब ये प्लेट मूव करेगी तो यहां पे क्या करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स। अब मेरे को ये कहा जा रहा है कि मैं कितनी फोर्स लगाऊं जिससे कि प्लेट मूव करे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव थी तो मेरी अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं राइट की तरफ फोर्स लगाऊंगा ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, ईटा पता है, ए पता है, डीवी डीएक्स पता है आंसर, ये मेरी अप्लाइड फोर्स है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं फ्रिक्शन को ओवरकम करूंगा तभी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाऊंगा, अगर मेरी फोर्स भी फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई तो प्लेट एक्सेलरेट करेगी, उसे कांस्टेंट वेलोसिटी बोला प्लेट की। नेगेटिव साइन फ्रिक्शनल फोर्स का है, इसने मेरी फोर्स पूछी कि मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं फ्रिक्शन के ऑपोजिट लगा रहा हूं तो मेरी फोर्स पॉजिटिव है, ठीक। जैसे ये रहा, इसमें अ स्क्वायर मेटल प्लेट है जिसका जिसकी साइड गिवन है पैरेलल टू अनदर प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, तो अब तो समझ में आ ही रहा है आपको 10 सेंटीमीटर साइड है और डीवी की वैल्यू गिवन है, तो डीवी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, बोथ प्लेट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर, तो आपको ये गिवन है विस्कस फोर्स एफ की वैल्यू गिवन है 200 डाइन्स गिवन है एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है सीजीएस में, ये पॉइस गिवन है आपको, डिस्टेंस अपार्ट निकालना है, डीएक्स निकालना है और डीवी गिवन है, डीवी की वैल्यू फर्स्ट, हाँ डीवी तो ऑलरेडी लिखी लिया आपने, डीएक्स निकालना है तो हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया क्या होगा 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लगा लेना फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, डीएक्स निकाल लेना, गिवन 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 गिवन। अब एक स्टूडेंट बोला कि आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, लगा लो, अगर आप यहाँ माइनस लगाएंगे लगा लो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ये विस्कस फोर्स भी क्या लेनी पड़ेगी माइनस, ताकि माइनस माइनस आपस में क्या हो जाए कैंसिल, मेरी सलाह मानो आप मैग्नीट्यूड में काम कर दो, छोड़ो क्यों नेगेटिव लगा के हटाना, आप मैग्नीट्यूड फोर्स पुट करो
क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव तो आता नहीं है, सच बताऊं तो सब पॉजिटिव ही आती है चीज़ें, तो यहाँ से अपने आप डी एक्स आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है? लिख लो फिर माइनस के साथ कर लो कि अपोजिंग फोर्स है। वेक्टर ये कहता है या तो एरो बना दो या बता दो अपोजिंग फोर्स है। अगर कुछ नहीं बता रहे, न्यूमेरिकल बता रहे हो कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो माइनस लगा दो। माइनस का मतलब अपोजिंग फोर्स है, ये है इसका मतलब। मिलता जुलता क्वेश्चन है जिसमें मेटल प्लेट का ये प्लेट है, ये प्लेट है। फिल्म पता है क्या होती है? तेल के ऊपर की सरफेस जो होती है, किसी भी लिक्विड की टॉप की सरफेस को फिल्म बोलते हैं। तो ये फिल्म है लिक्विड की, लिक्विड की फिल्म है। और एरिया आपको इस क्वेश्चन में प्लेट का गिवन है 0.10 मीटर स्क्वायर है। ये आपको वेट गिवन है 0.01 जी का वेट है इसमें। लिक्विड विद अ फिल्म ऑफ थिकनेस, ये देखो ये फिल्म देख रहे हो, इसकी थिकनेस दे रहा है वो आपको डीएक्स, ठीक है। ये जो थिकनेस है डीएक्स की वैल्यू वो आपको दे रहा है कितनी, 0.3 mm। ये लो ठीक। व्हेन रिलीज प्लेट मूव विद राइट विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ, देखो स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है कितनी, 0.085 मीटर पर सेकेंड भी कांस्टेंट है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा निकालना है। भाई फॉर्मूला तो मुझे पता लग गया क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। मुझे एक एक करके वैल्यू बताते रहो, फोर्स की वैल्यू क्या पुट करूं, बस ये बताओ जब ये प्लेट आगे मूव करेगी लिक्विड के ऊपर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, पीछे करेगी। और अगर आप चाहते हो कि प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो आपको फोर्स आगे लगानी पड़ेगी। आगे की फोर्स क्या होगी, टेंशन टी। तो आगे की फोर्स क्या होगी, टेंशन टी। और टेंशन टी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कोई भी फोर्स बड़ी छोटी नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या करेंगे, एफ की जगह टी ईटा एरिया डीवी बाय डीएक्स। आपको क्वेश्चन में डीएक्स पता है, वो रहा डीएक्स, ये रहा डीएक्स। आपको क्वेश्चन में डीवी, अब डीवी क्या होगा, जो फिल्म है उसका लोअर मोस्ट पॉइंट कितनी वेलोसिटी पे होगा, जीरो, और अपर मोस्ट पॉइंट कितनी वेलोसिटी पे होगा, 0.085। तो डीवी की जगह क्या पुट करेंगे, 0.085 माइनस जीरो, क्योंकि प्लेट का, प्लेट की वेलोसिटी पता है, ऑयल की वेलोसिटी तो जीरो है, तो दोनों में डिफरेंस डीवी आ गया। और टेंशन की जगह क्या पुट करेंगे, वेट एमजी, तो 0.01 जी। सॉल्व कर लेना, क्या निकालना है इसमें, ईटा निकालना है। समझ में आ रहा है यहां तक?